गाइस वेलकम बैक टू द चैनल तवनीत कौर द स्टडी कॉर्नर। होपफुली आप सभी ने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लिया होगा, जिसमें हमने चैप्टर को स्टार्ट किया। चैप्टर का मेन पोर्शन मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन ओपनिंग कैपिटल एज फॉर द क्लोजिंग कैपिटल दोनों सीख लिए। एडजस्टमेंट्स भी सीख ली कि किसमें आती है, कहाँ आती है वो कॉमेंट करके बताना कि ओपनिंग कैपिटल निकालने के टाइम हम एडजस्टमेंट्स को ऐड करते हैं या फिर क्लोजिंग में। सो अगर आपको पता है इसका आंसर, और अगर आप पता ही होगा अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा, और नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो पहले वो देख लेना आपको पता चल जाएगा। देन कम बैक टू दिस वीडियो, कॉमेंट करना अपना आंसर। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। So guys, question states, on 1st April 2018, X started a business with 40,000 as his capital. So business start किया है कुछ पैसा लगाकर, तो वो हमारी क्या है? Opening capital. Very good. मतलब कि इस question में हमें opening capital पता है क्या? 40,000. उसके बाद On 31st March 2019, मतलब कि पूरे एक साल बाद जब क्लोजिंग कैपिटल का टाइम है, तब हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, मतलब कि क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन, वो हमें फाइंड आउट करनी है बाय मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, वो आज मैं बनाऊंगी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2018 एंड 19, एक्स ड्रू 24,000, ड्रॉइंग्स कितनी है? 24,000, यहाँ पर मैंने ड्रॉइंग्स लिख दी 24,000। उसके बाद हमारी आती है ऑन 1st October 2018 ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल अमाउंटिंग टू 30,000। सो व्हाट इज दिस? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस्ड की गई है? 30,000। हमें क्या नहीं पता? क्लोजिंग कैपिटल। सो उसको फाइंड आउट करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हियर इज द परफॉर्मा फॉर द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सो हम ट्रायल बैलेंस को देखकर ये बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला फिल आउट करते हैं। सो सबसे पहले हमारी क्रेडिटर्स लायबिलिटी कितनी है? 30,000। उसके बाद बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल क्या होते हैं? हमारी लायबिलिटी, बिकॉज पे से समझ लो हमने देने हैं, सो इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज आर ऑब्लिगेशन, इट इज आर लायबिलिटी। बिल्स पेएबल्स कितने हमारे? 10,000। उसके बाद बैंक एंड डेटर्स, बैंक हमारा एसेट है क्योंकि इसमें हमारा पैसा है, हमारा ही है वो, 10,000। डेटर्स कितने हैं? 50,000। डेटर्स की क्या एडजस्टमेंट है? देखो नीचे गिवन है, अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड अगेंस्ट डेटर्स। सो हमेशा याद रख लो, जब भी प्रोविजन आ जाए, व्हाट द वर्ड इज प्रोविजन, सो ये हमेशा लेस करनी है हमने अगेंस्ट डेटर्स। सो प्रोविजन कितनी है? 5%। सो 5% माइनस कर दो क्या है वो प्रोविजन, सो ये 50,000 इनर कॉलम में आ जाएगा। एडजस्टमेंट के बाद ये प्रोविजन कितनी थी? 5%। 50,000 का 5% 2500, इसको करेंगे माइनस, सो हमारा आ जाएगा 46,500। आई होप आई एम क्लियर। उसके बाद आते हैं हमारे स्टॉक, स्टॉक के हमें अमाउंट गिवन है 40,000। उसके बाद प्लांट, प्लांट इज 68,000, इनर कॉलम में लिखो बिकॉज इसकी एडजस्टमेंट है, प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10%। सो इसकी 10% हम इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, 68,000 का 6800 डेप्रिसिएशन आ गई, and amount came out to be 61,000।
नेचर है 12,000 का। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग। टोटलिंग करने के बाद यहाँ पर कुछ आ जाएगा 1,70,700 समथिंग, और सेम यहाँ पर आ जाएगा 1,70,700। उसके बाद यहाँ का बैलेंस जो आएगा वो हमारा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल, एंड इट केम आउट टू बी, इसमें से इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस लेस कर देंगे इन दोनों को, एंड इट केम आउट टू बी 1,30,700। ये आगे क्लोजिंग कैपिटल, सो यहां पर हम लिख के रख लेते हैं 1,30,700। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा करेक्ट मेन आंसर है। दैट्स द परफॉर्मा फॉर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बनाने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ था या फिर लॉस। सो सबसे पहले क्या आएगा, जल्दी से फॉर्मूला को रिवाइज कर लो। वेरी गुड, क्लोजिंग कैपिटल। सो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, 1,30,700। यहां लिख लो, वेदर यू कैन राइट इन द इनर कॉलम, नो मैटर्स। उसके बाद क्या आएगा, वेरी गुड, एड कर देंगे ड्रॉइंग्स। हमारी ड्रॉइंग्स कितनी है, 24,000 कर दी। इट केम आउट टू बी 1,54,700। या गया, उसके बाद ये प्लस हुई ना, उसके बाद क्या करेंगे, लेस कर देंगे हमारी एडिशनल कैपिटल। सो एडिशनल कैपिटल कितनी है, 30,000। सो 30,000 यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, 1,24,700। उसके बाद फिर लेस करना है, अब क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल को इसमें से लेस। ओपनिंग कैपिटल कितनी हमारी, 40,000 कर दिया माइनस, केम आउट टू बी 84,700। आंसर हमारा प्लस में आया, सो इट इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। हमें साल में क्या हुआ है, प्रॉफिट, फायदा हुआ। और अगर ये आता माइनस में तब क्या होना था, लॉस, नुकसान। अभी बट ये प्लस में है, सो इट इज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। बस इस चैप्टर को कर देंगे हम एंड कल लास्ट वीडियो के साथ, जिसमें हमने करना है क्वेश्चन नंबर 19। सो आई होप आपको आज की वीडियो में कुछ समझ आया होगा, और अगर आया तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन करना ऑन टू गेट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस। तब तक के लिए शेयर करो, कमेंट करो अपने डाउट्स एंड क्वेरीज। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। बाय बाय।